प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि मौलाना साजिद रशीदी ने नेशनल टीवी पे बैठ के नाजिया खान जी की पर्सनल लाइफ को लेके काफी ज्यादा हमले किए। खासकर ये कहा कि नाजिया खान जी के 3 पति हैं, तो इसी का मुंह तोड़ जवाब देंगे खुद भारत की बेटी और दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इस्लाम इस्लाम के बारे में आप मीठा मीठा बोलते रहिए और उसको सामने रख करके आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है, सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप मोलेस्टेशन कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप गैंग रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप डकैती कर लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं बीवी को खूब पीट दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं मस्जिद में बलात्कार कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं आप किसी को भी अगवा कर करके पैसा ले लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। आपको डर नहीं लगता कि ये इस तरह आप ओपनली चैलेंज कर रही है राशिदी को? वो आप एक देखें ना, वो मुफ्ती है, वो फतवा भी जारी करवा सकता है, खुद नहीं करेगा, किसी को बोल के आपके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा, तो आप क्या करेंगी फिर? फतवा वहां होता है जो इस्लामिक देश हो, संवैधानिक देश में फतवा मेरी जुत्ती के नीचे हम रखेंगे, मेरी जुत्ती के नीचे मैं रखूंगी। और जब उसने नेशनल न्यूज डिबेट पर टॉपिक कुछ और था और उसने जब बात कर ही दी है कि नाजिया के 3 और ऐसे मोबाइल दिखा दिखा करके, ये नाजिया का 3 मैरिज रजिस्ट्रेशन है, नाजिया ने 3 शादी किया है, एक सबसे पहली बात कि उसको चुल क्यों मच रहा है, मैं 3 करूं या ये उसका कंसर्न नहीं है, मेरे घर में मेरा बाप है और साजिद रशीदी जैसा बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लफंगा और झुट्टा लुच्चा जैसा मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप बहुत अच्छा और बहुत एडुकेटेड और दीन की जितनी तालीम मेरे अब्बा को है वो साजिद रशीदी अब सपने में भी नहीं सोच सकता। आप जब डिफरेंसेस बताने लगते हैं कि यस एग्जैक्टली इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर तुम मुसलमान इसको इसको खूबसूरत रहने नहीं दे रहे हो अपनी हरकतों से, तब क्या होगा के नाजिया के खिलाफ मोर्चा खुलेगा और नेशनल न्यूज पर साजिद रशीदी बैठ करके बोलेगा अरे इसका तो एक हस्बैंड है वो हिंदू है, और जब उसको मैं लीगल नोटिस भेजूंगी कि उस हिंदू हस्बैंड का मेरे को नाम बताओ, तो वो पर्दे में छुपेगा या बाथरूम के पॉट में अपना मुंह डालने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ये एक चीज है। अभी देखिए डेस्परेट रहा है हमेशा मुसलमान भी और पाकिस्तान हमेशा डेस्परेशन में रहा है, मुसलमानों के अंदर सेक्सुअल डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर इजी इनकम, आसानी से पैसा कमाने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर हत्या करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर बेहूदगी करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर शांति खत्म करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर कानून को तोड़ने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर बेहूदगी वाली नजरों से औरत को देखने का डेस्परेशन रहता है। तो ये बहुत कॉमन है मुजफ्फर भाई। आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान 26 बिलियन डॉलर के कर्ज में दबा हुआ है, पर आपके यहाँ आज भी गधा बेच कर करके बम और गोली ला करके दिया जाता है उन्हें डकैतियों को, उन्हें डकैतों को दिया जाता है। आप लोग गधे के, आपका आपकी सरकार गधे के दूध का व्यापार कर करके अवाम को रोटी नहीं देती है, अवाम को कारोबार काम नहीं देती है, अवाम को खुशहाल नहीं करती है, वो उन जिहादियों को रोटी और बोटी पहुंचाती है। तो पाकिस्तान के पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री पूरा डेस्परेट है
या भारत के मुसलमान डेस्परेट है, इसमें मुझे कोई शॉकिंग तो नहीं नजर आता है। आप मैं जानती हूँ कि ये आपका एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है और आप चाहते हैं कि इस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को आप बेहतर कर सके तो इसी में आपका अचीवमेंट है, या मैं समझ रही हूँ। लेकिन क्या वो चेंज होने को तैयार है? आप सोचिए, एक 22 साल की लड़की माशा अमीनी, जिसका इसलिए ईरान में हत्या किया गया और पूरे ऑनर के साथ उसका मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना, ये ईरान की बात है ना। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले की बात है, 2023 की बात है, मुंबई में एक बहुत यंग लड़की थी रूपाली, जिसके हस्बैंड ने उसका गला रेत दिया चाकू से, पहले उसको बहुत मारा, बहुत पीटा और उसके बाद फिर उसका गला रेत दिया क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनना चाहती थी। तो मैंने ईरान की बात भी आपको बताई और मैंने भारत के महाराष्ट्र मुंबई की भी आपको बात बताई। अब बताइए मुसलमान कहाँ पर चेंज है, कहाँ पर वो ऐसा तो नहीं है कि अच्छा पाकिस्तान में तो ही वो गुंडे के तरीके से हैं, तो ही वो रेपिस्ट के तरीके से हैं। नहीं, मुसलमान जो भारत में है वो भी बलात्कार कर रहे हैं और धड़ल्ले से बलात्कार कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बेहुदा लोगों के साथ बाकी के मुसलमानों का समर्थन है, सपोर्ट है। ये मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे से जानता है कि वो मस्जिद के अंदर रेप करेगा 10 साल की बच्ची का, लेकिन कोई भी मुस्लिम क्लेरिक उसको निकल करके उसको थूकेगा नहीं और उसके अगेंस्ट में कोई फतवा नहीं जारी करेगा या उसको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं करेगा या उसका सरतन से जुदा का नारा नहीं करेगा। ये मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ भी कर ले हमें कुछ नहीं होगा बल्कि हमको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक खबर भी बताऊं कि सिंध के इलाके में एक पीर साहब ने, जो उस इलाके के पीर हैं, उन्होंने एक छोटी बच्ची का रेप किया 8-10 साल का, और कई दिनों से मुसलसल कर रहे थे घर के अंदर ही, अपने बेडरूम के अंदर वो बच्ची की डेथ हो गई उसकी। जब उसको पीर साहब को उसकी मिसेज ने बताया कि वो बच्ची मर रही है, वो लेके गए उनको, बाद में प्रेशराइज किया गया पुलिस को, उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये है कि वो बड़े नवाबी तरीके से रहे। उनके जो मुरीदैन हैं वो भी थाने में पहुंच गए कि हमारे पीर साहब को जो है वो रिहा करें, ये इस तरह का काम नहीं कर सकते, या अगर किया भी है तो ये हमारे पीर साहब, इनको हाथ नहीं लगाना आपने। और ऊपर से यही डाकू इन्होंने भी पैगाम दिया कि इन पीर साहब को आप छोड़ दें वरना हम थाने के ऊपर राकेट फेंक देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि वहां उस लोग इलाके के लोग, वहां की पुलिस और वो डाकू मिलकर उन पीर साहब को, उन्होंने वो रिहा करवा लिया और वो पीर साहब जो है वो रिहा है। बच्ची के कहां गई बच्ची और कहां गया वो जुर्म, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आपने दूसरी जो बात की कि असदुद्दीन अवैसी ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, तो वो कैसे बयान देते? वो अगर बयान देते हैं तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती उनसे। तो ये उन्होंने उनके साथ देखना है ना कि ममता बनर्जी किस तरीके से वो उनको साथ लेके चल रही हैं। तो उन्हें अपनी सियासत बचानी है, उन्हें किसी की जान से कोई गर्ज नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। नहीं मुजफ्फर भाई, ममता बनर्जी साहिबा जो है वो असदुद्दीन अवैसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उनसे कोई रास्ता नहीं है उनका। असदुद्दीन अवैसी साहब कई बार पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वो अपनी तकरीर के लिए आना चाहे हैं पर ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लेटर पर उन्होंने इनकार किया कि भैया तुम नहीं आ सकते, क्योंकि ममता बनर्जी भी मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति करती है और मुसलमान गुंडों को पाल करके राजनीति करती है और असदुद्दीन अवैसी भी थरके आजम और जाहिले आजम को पॉकेट में रख करके राजनीति करता है। तो ममता बनर्जी को ये डर रहता है कि अगर असदुद्दीन अवैसी यहाँ पर आ जाएगा और मुसलमान उसकी तरफ बढ़ जाएंगे या उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ममता बनर्जी का जो पॉकेट वोट है मुसलमानों का वो उनसे छिन जाएगा। तो ये जैसे दो डॉन होते हैं, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाता, दूसरा उसके इलाके में नहीं जाता। चरित्र है, ये चरित्र है असदुद्दीन अवैसी का। अगर अगर एज अ मुस्लिम लीडर लिया जाए तो असदुद्दीन अवैसी के लिए ये कोलकाता आरजीकर की रेप की घटना पॉलिटिकली उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है क्योंकि रेप करने वाला भी मुसलमान है और जो विक्टिम है, रेप करने वाला भी हिंदू है और जो विक्टिम है वो भी हिंदू है। अगर पॉलिटिकली वो चाहते तो इस पर अपनी टिप्पणी रख सकते थे लेकिन क्योंकि
बलात्कारियों के सपोर्ट में हमेशा असदुद्दीन अवैसी रहते हैं, तो बलात्कार बेटी का अगर हिंदू करे तो भी असदुद्दीन अवैसी उसके सपोर्ट में है, और अगर मुस्लिम करे तब तो फिर उसने बेहतर ही किया है, अच्छा ही किया है, औरत बनी ही क्यों, औरत को पैदा ही क्यों किया गया है, औरत को बनाया ही क्यों गया है, तलवार खोलने के लिए ही तो बनाया गया है। तो ये फिक्स है असदुद्दीन अवैसी के दिमाग। अभी देखिए, हमास और फलस्तीन के मुसलमान जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर, जब इसराइल की बहु बेटियों को नंग धड़ंग करके रोड पर बलात्कार कर करके वीडियो बना रहे थे, तो असदुद्दीन अवैसी उन्हीं बलात्कारियों के समर्थन में था ना, उन्हीं बलात्कारियों के सपोर्ट में था ना। तो असदुद्दीन अवैसी का चरित्र हमेशा रहा है, वो बलात्कारी कोई भी धर्म का हो वो उसके खिलाफ कभी नहीं बात करते हैं, वो विक्टिम को भले ही मलाइन कर दें क्योंकि वो महिला है। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा चरित्र है जो अपनी जिंदगी में कभी भी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकते हैं, वो औरत को डोमिनेट करते हैं, वो औरत को जलील करते भी हैं और अपने लोगों से करवाते भी हैं, वो औरत को नीच दिखाते देखते भी हैं और अपने लोगों से दिखवाते भी हैं। असदुद्दीन अवैसी वो है जो औरत को अगर अच्छे शब्द का इस्तेमाल कोई और भी कर रहा होता है, कोई और व्यक्ति कर रहा होता है, तो वो उसकी भी क्लास लगाते हैं कि औरत को अच्छे से इज्जत देकर बात नहीं करना, वो उसकी भी क्लास लगाते हैं। और देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट करना, रेप करना, झूठ बोल करके लोगों से पैसे टानना, या चिटिंगबाजी करना या डकैती करना या चोरी करना, ये तो मुसलमानों का एक जॉब है, ये तो मुसलमानों की एक जॉब, एक काम है, और ये उनकी हॉबीज है। मुसलमान पुरुष अगर रेप नहीं करेंगे, पीर बाबा अगर रेप नहीं करेंगे, वो छोटी छोटी बच्चियों का पजामा उतार करके अपने घर के अंदर ले जा करके उनके उनका चीरहरण नहीं करेंगे, बिस्तर का ठरकबाजी का सामान नहीं बनाएंगे, तो फिर वो काहे के पीर बाबा, प्रॉपर पीर बाबा हुए ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा बढ़ावा उन्होंने दिया है जो इस्लाम को कभी भी अच्छे से समझ करके पढ़ना और समझना चाहे ही नहीं। आप अपने पाकिस्तान में निकले, आप मेरी बात माने, आप मेरे पाकिस्तान में माइक लेकर के, अपना बूम लेकर के चैनल का निकले और छोटी छोटी आयतें आप उनको अरबी में पढ़ें और कहें कि बताओ इसकी मीनिंग क्या है। नहीं पता। अगर बता दिया, मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा अपने घर में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान ना सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी पे भड़क गई बल्कि मौलाना को जम के एक्सपोज भी किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।